यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कहां से जीत गया है, कौन कहां से आगे चल रहा है। फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो ये है कि मेयर के उम्मीदवार जितने भी हैं बीजेपी के, वो तमाम जगहों पर आगे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है वोट्स में। और अभी कुछ राउंड्स की ही गिनती हुई है, 13 राउंड तक गिनती चलेगी, तो उससे पता चल जाएगा। और तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और बीजेपी से हमारे साथ राजेश गौर साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राजेश जी। बालमुकुंद शर्मा जी, आपने भी बड़ी बेबाकी से एक बात कही थी कि हाँ चुनाव लड़ना चाहिए था सिंबल पर, और आप तो चुनाव से पहले ही अपनी चिट्ठियां वगैरह पहुंचा चुके थे, फिर एक ऑडियो निकल कर आया कि क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि नहीं जी सिंबल पर नहीं लड़ना चाहिए, अभी हमारी हालत पतली है? नहीं 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 नहीं, अच्छा ये मैं आपको नतीजों के बारे में बताता हूँ। 86% लोगों ने ये कहा था कि सिंबल पे लड़ना चाहिए। अच्छा, जो हमारा मतदान होता बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, 86% ने ये कहा था। ये अब पता है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि लोगों को अभी शायद लगे दर्शकों की अब क्या सिंबल में अटके हुए, क्योंकि ये नतीजे बहुत हद तक और भी चेंज हो सकते थे जैसे आपने कहा था। मैं वही देखिए मैं बताता हूँ, देखियो जो रुझान आए हैं हो सकता है नतीजों में भी तब्दील हो जाए। मैं ये कहता हूँ कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आत्ममंथन के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज होती है आगे भविष्य में सबक ले लें। तो कुछ हमारे जो नेता हैं उसमें, चाहे वो कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुलदीप बिश्नोई हो, उन लोगों को अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि पार्टी के सिंबल के बगैर आप कुछ नहीं है। तीनों जगह वो इतना ही पिछड़ रहे हैं, इस तरीके से उनके कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं, अगर ये सिंबल पर होते तो चुनाव जीते। मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए और फिर कांग्रेस की उस विचारधारा में लौट जाना चाहिए। ये लोग नहीं चाहते थे कि सिंबल पर, मैं बिल्कुल बताता, ये लोग ये चाहते थे कि सिंबल पर चुनाव अगर होते हैं तो सातों के सातों चुनाव कांग्रेस जीतेगी, तो उसका क्रेडिट अशोक तंवर को जाएगा। उसके लिए इन्होंने ये दिखाया कि हम बहुत बड़े नेता हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए, कि नहीं नहीं सिंबल पे नहीं लड़ते। शाम को उधर कहते सिंबल पे नहीं लड़ते, अगले दिन सुबह आ जाते हैं, एक रोहतक पहुंच जाता है, एक सिरसा, एक यमुनानगर पहुंच जाती है नेता हमारी, एक इशार पहुंच जाता है कि हमने तो ये कैंडिडेट उठा दिए और ये कैंडिडेट तो बिल्कुल एक मिनट में बीजेपी को हरा देंगे। अब हालात ये है, उनको अभी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, अगर यही सिंबल पर होते तो हम चुनाव जीत जाते और मुझे अब लगता भी नहीं कि चुनाव जीते। मैं आता हूँ आपके पास, कमल कौशिक मेरे सहयोगी कुछ बता रहे हैं, कुछ अपडेट उनके पास। जी कमल, नासिर 8 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं, 5 वार्ड तक हमने बता दिए हैं जिनमें आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं, एक वार्ड से जीते थे जैसा कि बीजेपी के उम्मीदवार जो कि कांटे की टक्कर थी, बराबर वोट मिले थे। और फिलहाल अपडेट दे दें आपको, केसीआर हमारे साथ मौजूद है, वही बताएंगे कितने क्या वोट मिले और कौन कौन जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज कर चुके हैं फिलहाल। क्या बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूँ अभी तक जो है ना 8 राउंड के जो है ना काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें 8 वार्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें नंबर 1 पे नवीन एडवोकेट हैं बीजेपी से, उनकी जीत हुई है। नंबर 2 वार्ड से जो बलविंदर सिंह आजाद उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई है। वहीं नंबर वार्ड 3 से मंजीत कौर हैं जो 3384 उनको वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 4 से नवीन नौतना हैं, लेडी हैं, वो आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 में जय भगवान कश्यप हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत हुई है। और आपको बता दूं मैं, वार्ड नंबर 6 से नीलम सिरसी हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वो जीते हैं। वार्ड नंबर 7 में सुदर्शन कालड़ा आजाद उम्मीदवार हैं, लगभग 3400 वोट उनको मिले हैं। और वार्ड नंबर 8 से मेगा भंडारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको जीत हासिल हुई है। फिलहाल अभी तक 8 वार्ड के जो है ना, और 8 में से 3 बीजेपी हो चुके हैं, जिसमें 3 बीजेपी के हैं और 5 आजाद उम्मीदवार जो है ना अभी तक जीते हैं। ना सिर्फ 5 दिन से है अभी मुकाबला, यानी कि 5 जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जीत दर्ज की 8 वार्डों में, सिर्फ 3 बीजेपी के हैं, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है बीजेपी का। बिल्कुल कमल, आते हैं आपके पास, आप बने रहिएगा और इसी तरह से तमाम अपडेट्स लेकर। राजेश जी, मेयर के प्रत्याशी तो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो ये करनाल की बात बता रहे थे, करनाल में 8 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं, 3 पर बीजेपी है और 5 पर निर्दलीय उम्मीदवार है। क्या लगता है आपको, बीजेपी के लिए तो ऐसा होना चाहिए था कि सारे के सारे बीजेपी के, तो एक आध किसी के खाते में चले जाती। करनाल है, सीएम सिटी है, विकास है 4 साल का। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी कोई सरकार आती है उसके बाद भी सरकार आती है, सरकार काम करती है, कई लोग नाराज होते हैं, कई लोग उनके हक में होते हैं। लेकिन मैं अगर सीएम सिटी आप बात करें, मैं इस बात को इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा सीएम सिटी की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह
सिर्फ रोहतक का विकास नहीं किया, पूरे प्रदेश का विकास किया। अगर आप सारे देखें, सभी एमएलए उसको सब बराबर पैसे बांटे गए। अगर आप उसको चाहे रोहतक के अंदर आप लगा लीजिए, जो 190 करोड़ रुपए का जो हमने मंजूर किया था, जो पाइपलाइन सीवरेज पाइपलाइन मंजूर की थी, तो उतना ही काम करनाल में भी। ये नहीं कि हम डिफरेंट, तो ये कहना, ये तो चलो आपने बात कही तो उस बात का जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो तीन भी आ रही, तो मैं ये कहता हूँ कि हम इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाए, हम ये, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये नेगेटिव है। अगर हम, जैसे अगर आप पुराने चुनाव में देखेंगे, अगर हम राजस्थान में जब पहले चुनाव हुए थे तो 24 पे कांग्रेस सिमट गई थी, और अब हम अगर आए तो 73 आए, 5% वोट हमारा डाउन हुआ। कांग्रेस तो भी है नहीं ना, कांग्रेस नहीं, मैं आपको नहीं, ये तो अनदर में आप किसको लेंगे, एनएलडी भी है, लोक समता पार्टी भी है, जेजेपी भी है, एनएल, ये पांच पार्टी आप लगा के एक तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बीजेपी वर्सेस महागठबंधन वाली बात हो रही है। इसमें एक क्लेरिफाई तो आपने, चाहे कुछ भी चाहिए ले लीजिए, बस 16 तारीख तक का वक्त था, बंदूक हो, पैसा हो, सब कुछ। नहीं नहीं, बंदूक हो, पैसा हो, आप जो बंदूक वाली बात तो कहीं नहीं हुई। अगर वो बात आप मनीष ग्रोवर जी वाले बयान पे आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उसका उन्होंने उसका जवाब दिया था जब लोगों ने कहा था, उसका ये कोई पर्टिकुलर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं कही थी। तो अगर अगर उसी 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 अगर वहां कोई सिर पर आयु का देखो में कूद जाओ, तो मनीष ग्रोवर कूद में कूद जाएगा जी। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो, नहीं आप ये बताओ ना, एक कोई ऐसा आदमी क्या, आप पूरी बात ही सुन रहे हैं। देखिए मैंने ये इसलिए क्योंकि एक ऐसे एक परसेप्शन ऐसा होता है, एक वाली बात के लिए जवाब में करवा दो। राजेश जी, एक परसेप्शन ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि ये निगम चुनाव में, वो एक मीटिंग, आप पब्लिक मीटिंग थी नॉर्मल, नहीं निगम चुनाव में अक्सर ज्यादातर जो नतीजे है ना, वो इसलिए कि एक लोगों को लगता है कि चलिए सरकार है जिस पार्टी की, चाहे वो कभी भी रही हो, तो इससे ज्यादा से ज्यादा काम होगा, तो एक लोगों का माहौल होता है। देखिए अभी मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ा कड़ा मुकाबला है, रेणु बाला जो है आपकी बीजेपी की प्रत्याशी, बड़ा कड़ा मुकाबला है आशा वधवा के साथ उनका, तो यहां पर लोगों को लग रहा था कि करनाल में विकास बहुत हुआ है जी, देखिए उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अब एक बार ये भी तो देखिए, करनाल में जो आशा वधवा जी थी, एक तरफ का अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर उनको बोलते तो सुनीता सिंह वहां जो आईएनएलडी की है, वो भी उन्हीं को जाकर समर्थन देती है। अगर वो उनको जाकर समर्थन, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सारे इकट्ठे हो गए, महागठबंधन हो गया, उसके बाद भी हम अगर उसको कर रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, उसको फिर भी टक्कर देगा हम आगे चल रहे, तो ये तुम्हारी अचीवमेंट होगी जी ढुलका। देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, आपका हिसार की सीट देखिए, हिसार के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं, इनेलो बसपा अपनी अलग से लड़ रही है, लेकिन जेजेपी वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को समर्थन दे रही है, बाहर से बिल्कुल स्पष्ट है, ये हमारे सामने है। तो महागठबंधन वाली बात यहाँ पहले तो इनकी हिसार में फेल हो जाती है। आपका रोहतक देखिए, रोहतक के अंदर यदि कांग्रेस के हुड्डा साहब ने समर्थन दिया है सचदेवा जी को, इनेलो और बसपा का जो उम्मीदवार है न केवल खड़ा है बल्कि बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आज तक की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रोहतक के अंदर शहर के अंदर इनेलो की कभी भी नहीं रही, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वहां आपकी फेल हो जाती है। आपकी करनाल में आकर, सर एक मिनट प्लीज देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि महागठबंधन हो रहा है, आप जेजेपी सर, आप बताइए कहां पर जेजेपी ने जाकर, जेजेपी ने हिसार में जाकर के, अब सर मैं अच्छी बात, हर अखबार में सर पूरी रिपोर्टिंग आई है, नहीं इनके महागठबंधन की बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग आई है, वीडियो वाइरल हुए हैं, रिपोर्टिंग आई है, दिखाओ ना वीडियो, बीजेपी के अंदर बीजेपी को समर्थन दिया है, आप फिर सुनीता सिंह जो विधायक रह चुकी वो जा रही है जेजेपी का, तो विधायक हमारी कोई विधायक नहीं, सुनीता सिंह और किसी विधायक है, कांग्रेस की विधायक थी, नहीं सुनीता सिंह अगर आईएनडी विधायक की वजह से सपोर्ट कर रही है, तो नहीं आईएनडी की विधायक थी सुनीता सिंह, वोट करने से अगर कांग्रेस की विधायक थी वो, हमारी नहीं, इनेलो की विधायक थी, कांग्रेस की विधायक थी, इनेलो की नहीं, अगर आईएनडी की जो उन्होंने मना भी कर दिया था, कांग्रेस की थी पूर्व जी पाल मुकुंद जी। नहीं अब देखो, चलो इनका रुझान अच्छा रहा है, ये वैसे जैसे मनीष ग्रोवर जी बोखड़ा पता नहीं क्या बोल रहे थे, ऐसे हमारे प्रवक्ता साहब ऐसे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अब ये बात, ये महागठबंधन, ये का आप ये कह सकते हैं, एक आध लोग पर्सनली व्यक्तिगत इंटरेस्ट में आपके साथ चले गए होंगे, महागठबंधन इंडियन अपना चुनाव लड़ रही है, तीन ही राजनीति दल अच्छी तरह से हरियाणा में आज जी, आप तो बात बोलिए ना, आप तो छह लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो छह ही जीत रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग, कुमारी शैलजा जी यमुनानगर में चुनाव लड़ रही है, एक जवाब दे, सावित्री चंद्र अलग जो व्यक्तिगत हो रहा है सर, वो व्यक्ति कहां कांग्रेस की अभी हमारे एंकर ने आपसे ये पूछा, 8 रिजल्ट आए उसमें से 3 बीजेपी के जीते, 5 बीजेपी के आ रहे हैं, आप ये मत नहीं, आप अपना आप उसको महागठबंधन पे ले, आप सुनो ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये बात बाबूजी मैं नहीं कह रहा, शाम तक की मैं आप एक लाइन पे क्लियर कर देता हूँ, कांग्रेस की शाम तक की स्थिति या जो भी स्थिति रहेगी ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ,
कांग्रेस चुनाव में मैदान में थी नहीं, कुछ हमारे नेताओं ने अपनी उसको दिखाने के लिए उन अपने कैंडिडेट उतारे थे, वो उन नेताओं की हार हो सकती है, कांग्रेस से ऐसे कोई लेना देना नहीं। और 100% उन नेताओं की हार, अगर शैलजा जी की आपने बात करी तो शैलजा जी की हार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, कुलदीप बिश्नोई ने की तो कुलदीप, मैं इतने नेताओं के नाम ले रहा हूँ और रिकॉर्ड करा, ये उनकी हार हो सकती है, अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे तो उन्होंने हार माननी भी चाहिए। धर्मपाल कांग्रेस का कोई लेना, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। धर्मपाल धनखड़ जी सर, कांग्रेस को लेकर बाल मुकुंद शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार नहीं होगी क्योंकि सिंबल पर नहीं थे, उनके नेताओं की हार होगी। दूसरी बात ये, अध्यक्ष जी भी कहीं नहीं गए, हमारे अध्यक्ष कांग्रेस होती है, कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष जी कहीं नहीं गए। करनाल का जो अभी तक जो 8 जगहों का रिजल्ट आया, 8 पार्षदों का, 5 पर बीजेपी हारी है, 3 पर बीजेपी जीती है, इसको आप किस तरह से देख, जो मेरा सवाल था कि क्या ये बीजेपी के लिए सोचने की बात नहीं कि करनाल में तो कम से कम ऐसा रिजल्ट ना हो अभी तक, बाकी अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ना सिर्फ मेरी राय ये है कि पार्षद का चुनाव जो है वो मोहल्लेदारी का चुनाव है, आपसी संबंधों का चुनाव है, वहाँ कौन उम्मीदवार कितना मोहल्ले में लोकप्रिय है, वो किस पार्टी का है, या पार्टी बाजी बहुत कम देखी जाती है। पार्षद के चुनाव की बात कर रहा हूँ या पंचायत के चुनाव की बात करो तो वहाँ जो है निजी संबंध, क्योंकि मोहल्ले में एक सब एक दूसरे को जानते हैं और सबके एक दूसरे से संबंध होते हैं, तो वहाँ पार्टी कम देखी जाती है। लेकिन अगर पार्टी, एक पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से भाजपा के वोटर तो भाजपा की तरफ गए हैं बिल्कुल, और जो दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, 8 परिणाम जो करनाल में आए हैं अब तक, और उनमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और एक वार्ड तो ऐसा है कि जहाँ बराबर बराबर वोट मिले थे, तो यहाँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी परफॉर्मेंस ले ली, लेकिन उनके उम्मीदवार जो हैं उन पर दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों पे भारी नहीं पड़ पाए हैं, वहाँ निजी संबंध जो हैं आपस में जो लोगों के हैं वो ज़्यादा मजबूत माना तो जाएगा ना कि एक कोई शहर जो CM सिटी है, देखिए कुछ भी हो, नाम है, चाहे आपने काम बराबर के किए हों, लेकिन जुड़ा तो है, आपने आपका पूरा फोकस था वहाँ पर, तो असर तो पड़ता है ना। देखिए नासिर जी, अगर आप देखें मुख्यमंत्री जी के और बाकी जगहों पर भी उनकी रैलीज हुई हैं, बाकी जगहों पर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया है, तो ये तो मीडिया या अलग लोगों का बना लेना कि ये सीएम सिटी है, सीएम साहब यहीं तक सीमित हैं। मैं तो इस बात को मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा कि वहां तक सीमित है, मैंने कहा कि वो नाम जुड़ेगा सर। हाँ देखिए नासिर जी, अगर आप कह रहे हैं नाम जोड़े, नाम तो जहां मर्जी जोड़ लीजिए। अच्छा मान लीजिए अगर आप जीत रहे हैं, अगर वहां पर रिजल्ट आपकी हार हो जाती है, ठीक है ना, अभी रिजल्ट चले, हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बात कर सकते हैं कि तो असर नहीं पड़ेगा पूरी बीजेपी पर इस चीज का, अगर करनाल में 4 जगह बीजेपी जीतती है लेकिन करनाल में हार जाती है, तो उसका संदेश क्या जाएगा? देखिए मैं, अगर जीत होगी तो संगठन की जीत होगी, भाजपा की जीत होगी, अगर हार होगी तो भाजपा की हार होगी। ये संगठन से चलते हैं, इसी में मैं उस पे ही बात आपको कह रहा था कि सिर्फ एक तरफ लेके आना कोई मुख्यमंत्री जी सिर्फ आ गए तो इसलिए हार या जीत का करना या ज्यादा जुड़ाव है, ये मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मनोहर लाल जी थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये नहीं कि अगर आपके पीछे कोई सरनेम लगा तो बिग सरनेम्स विल बी द चीफ मिनिस्टर्स, ना कि कांग्रेस की तरह, कांग्रेस की तरह क्योंकि हां भी राहुल गांधी जी के घर में आकर डिसाइड हो रहा है, ना कि जो विधायक है करनाल आकर के मुख्यमंत्री को अपनी जाति बतानी पड़ी है कि मैं भी पंजाबी हूं। नहीं देखिए उन्होंने, एक मिनट साहब, उनके अगर आप लेट मी क्लियर, नहीं मुझे पूरा करें जो उनका जवाब मैं दे रहा हूं धनखड़ साहब का, उन्होंने जब इस बात का जवाब तब दिया, उन्होंने सभी को वोट दे, लेकिन जब उन्होंने बोला कि अगर भाई तुमने पंजाब तो मुझे दे दो, तो उसमें और दोनों जो आपकी ज्ञान परिभाषा है उसको इंटरप्रिटेशन में गलत, मैं इंटरप्रेट उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सिर्फ ये बात बोली पंजाबी है तो मुझे दो वोट, साहब इन मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं अमर उजाला की 16/12/2018 की जो एड है भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक एड, उसको पढ़ करके सुना रहा हूं मैं, कुछ इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 52 साल में मिला हरियाणा को पहला पंजाबी मुख्यमंत्री, अगर आज गलती की तो 60 साल में फिर मौका नहीं मिलेगा। आजाद प्रत्याशी के कंधे, नहीं सुनिए पूरे सुनिए, आजाद प्रत्याशी के कंधे पर बंदूक रखकर पंजाबी समाज के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं कुछ जाति विशेष के नेता, पंजाबी समाज के लोगों को अनुरोध कि पंजाबी मुख्यमंत्री को खुलकर करे समर्थन, ये भाजपा की ऑफिशियल एड अमर उजाला फ्रंट पेज फुल पेज एड 16/12/2018 की राजनीति जात पात के खिलाफ, मैंने
अच्छा क्यों 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 ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐड देना पड़ रहा जाति के लिए? भी पार्टी पार्टी से की गई होगी, मेरे को लगता है ये चुनाव के दौरान की सिंपल की ऐड की गई होगी, पैसे भी पास किए गए, ये अब कैसे कर सकता है? बेचैनी बेचैनी ज्यादा थी, बेचैनी बेचैनी ज्यादा थी, ये करनी चाहिए, मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, आप जो इन्वेस्टिगेशन क्या ऐड है, ऐड ऐड तो कोई, तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार आपका भी स्वागत है संजय जी। संजय जी चलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, आप अभी आए हैं कि रुझान अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, बीजेपी तमाम जगहों पर जो बीजेपी के मेयर के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, करनाल में अभी तक 5-8 जगहों का पार्षदों का रिजल्ट आ चुका है, 3 पर बीजेपी जीती है और 5 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, किस तरह से इन शुरुआती रुझानों को आप देख रहे हैं? शुरुआती रुझान में तो भाजपा को आगे है और उनका ये क्योंकि ये है कि कैडर बोर्ड्स के हिसाब से उनको सारे बोर्ड्स पूरी जी जान से इन लोगों ने लगाया है और जिस हिसाब से वोट परसेंटेज कम पड़ी थी, वोट्स कम पड़े थे और उसके बावजूद इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसका परिणाम अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी तो रुझान आ रहे हैं मेयर्स में, अभी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है और जो भी रुझान आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस इनके साथ सीधे मुकाबले में नहीं थी वो तो भी आसान है, हाँ INLD के थोड़े से बिखराव का असर इन पे पड़ा है जिससे कि भाजपा ही सभी सीटों में जेजेपी आ गई है, जी है ना? जी जेजेपी इन्होंने इंटरनल सपोर्ट किया है, जिन्होंने खुल के सपोर्ट नहीं, इंटरनल सपोर्ट की वजह से जरूर भाजपा को फायदा मिलेगा। रविन ढोल साहब, अगर जेजेपी नहीं आती वजूद में इस एक महीने के अरसे में तो शायद इनेलो जीतती। देखिए एक बात, फर्क पड़ा है जेजेपी से? देखिए थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता ही है, यानी बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए उधर, ट्रांजिट टाइम है ये, ट्रांजिट टाइम के अंदर जो है एक लंबे टाइम के बाद में तो मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा तुरंत तुरंत का काम होता है तो लगभग एक महीना भी नहीं हुआ था पार्टी को टूटे हुए, तो उस बीच में इस प्रकार का इलेक्शन आना महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप से एक फायदा रहे। जो वर्कर हमारी पार्टी को छोड़ करके गए हैं उनकी निष्क्रियता जिन चुनावों के अंदर रही वहाँ पर भी नुकसान हुआ है, और जिस तरह हिसार के अंदर उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है उससे भी निश्चित रूप से जो इनेलो प्रत्याशी को नुकसान तो हुआ ही है, इसको तो एडमिट करने में कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है धनखड़ जी, कांग्रेस सिंबल पर लड़ी नहीं, ठीक है, इनेलो से टूटकर जेजेपी बन गई, तो इसका भी फायदा बीजेपी को मिला है, चुनाव में मिल रहा है अभी तो, खैर देखिए कुछ रिजल्ट आ रहे हैं अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अभी तो कई राउंड रह गए हैं। ना सिर्फ कांग्रेस का सिंबल पर ना उतरना, मैं समझता हूँ कि एक तरह से उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और फिर कुछ नेताओं ने अपने उम्मीदवारों का समर्थन किया, वहां वो नेता निजी तौर पर कहा जा सकता है कि खड़ी, अगर पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से ये आकलन करने में आसानी रहती कि कौन सी पार्टी आगे बढ़त ले रही है। यहाँ जो है जैसे कि जो उम्मीदवार हैं वो निजी तौर पे समर्थन दिया गया है तो उन उम्मीदवारों का जो समर्थक हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, चाहे कुमारी सैलजा है, चाहे वो सावित्री जिंदल है, उन्होंने जहाँ जहाँ समर्थन किया है जिन जिन उम्मीदवारों को, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उन उम्मीदवारों को पूरा समर्थन मिला भी नहीं और समर्थित हो भी गए। यहाँ बड़ी कंट्राडिक्शन मुझे लगती है और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया वो एक तरह से खुला छोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और निश्चित रूप से इसको हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश की है और इनेलो ने भी अपना आकलन करने की कोशिश की है, हालांकि इनेलो का पहले भी जनाधार शहरों में नहीं रहा, तो जहां मुकाबला होना था वो निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच होना था, और कांग्रेस के बिना सिंबल के आने से निश्चित रूप से ये चुनाव जो है वो एक तरफा सा जो है वो होता चला गया। ठीक, बालमुकुंद शर्मा जी एक बात आपने कही थी कि ये कांग्रेस के नेताओं की हार होगी, कांग्रेस की हार नहीं होगी, जो कांग्रेस के नेता हैं निजी हार हैं, ठीक है ना, तो अगर सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता तो आपने कहा कि रिजल्ट कुछ अलग होता जी। तो उन नेताओं को इससे फायदा नहीं मिलता क्योंकि नाम तो उनका ही जुड़ता ना, जिन जिनका अपने क्षेत्रों में प्रभाव है वो तो उनकी सोच है जी। अच्छा। ये तो देखिए ना, दो नगरपालिकाओं का चुनाव आ चुका है,
पुंडरीका और जाखलगा दोनों निर्दलीय जीते हैं चेयरमैन या जो भी सारा तो वो तो बीजेपी की भी हो सकते हैं नहीं 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 बीजेपी ने तो सिंबल दिया ना जी वो तो वही नहीं सकते नहीं वहां पे सिंबल नहीं लगा बीजेपी नगर पालिका नगर बीजेपी ने सिंबल नहीं दिया बीजेपी वो कांग्रेस के वो तो देते अगर उनके जीतने की स्थिति होती वो वहां भी देते जो रहेगा वो इनका ये तो मैं अभी मैं हार की भी स्वीकार कर रहा हूं वैसे भाजपा ने भी यही दांव खेला है नगर पालिका में वही दांव जो है नगर पालिका में भाजपा ने खेला है वहां सिंबल नहीं दिए जो जीते सब जीते ठीक नहीं थे ना लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी ना कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब कह रहे हैं कि हम सिंबल बजाएंगे और हमने खुद भी एक दिन तो बल्कि आपकी डिबेट चली इस बात पर लेकर की थी मैंने यहां आकर के आपको बयान दिया कि हमें लड़ना चाहिए था और हमने राहुल जी से मिलने का टाइम लिया राहुल जी ने समय दिया उसके बाद एक रायशुमारी भी हुई तो मैं बिल्कुल खुले तौर पर खुले मन से अभी तो मान रहा हूं जी मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मान रहा हूं अगर हम लड़ते तो हम 500 जीते और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आ रहे ना ऊपर नीचे 1000-2000 अगर आप जीतते तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मान लीजिए आप जीतते तो उसका श्रेय अशोक तंवर को ही मिलता उन नेताओं को नहीं मिलता पार्टी के उन्होंने 4.5 साल जिस तरीके से मौजूद नहीं है जिनका आपने नाम लिया मौजूद है हमने कभी नहीं कुमारी शैलजा वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कुमारी शैलजा जी भूपेंद्र हुड्डा जी कुलदीप बिश्नोई वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं लेकिन गलफत ये है कि उनको ज्यादा अहम इस बात का हो गया कि हम ही सब कुछ है अब आप वो हमारे वरिष्ठ नेताओं के समर्थित उम्मीदवार हार गए डॉक्टर अशोक तंवर जी ने जिस तरीके से 4.5 साल से हरियाणा में मेहनत की है हर गली कूचे में साइकिल यात्रा मोटरसाइकिल यात्रा साइकिल कार रैली और जगह जगह जनसभा हमने 340 के आसपास जनसभाएं उन्होंने कर दी हरियाणा में तो कांग्रेस का ग्राफ इतना बढ़ चुका है तो उनके अंदर एक तरह इस तरह की वो है भावना आ गई कि वह अशोक तंवर का नाम हो जाएगा वो उनकी सोच थी और उसका रिजल्ट आ गया अब वो पछताएंगे शाम तक होते होते उनके बयान आ जाएंगे अगर हम सिंबल पर लड़ते तो जीत जाएंगे उनको पछताना पड़ेगा जी राजेश जी अभी बालमुकुंद जी कह रहे थे कि भाई हरियाणा में जो कांग्रेस है सिंबल पर चुनाव लड़ती तो अध्यक्ष का होता तो इन्होंने तो इनके अध्यक्ष जी ने और बालमुकुंद जी ने अपनी बात भी रखी थी अगर अध्यक्षीय प्रणाली कांग्रेस में सर्वोपरि थी तो फिर उनकी बात मानी जाती बाकी मानी नहीं जाती मानी जाती में। जब संगठन ने डिसाइड किया तो बालमुकुंद जी और डॉक्टर अशोक तंवर जी ने बाद में स्टेटमेंट दी नहीं जी इस सिंबल पे लड़ा जाना चाहिए जब आपकी एक जगह मीटिंग होगी संगठन वाली तो बात है नहीं सभी जो यहाँ पर नेता हैं अलग अलग वो मुख्य रूप से हैं और यहाँ पर व्यक्ति परिक्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी पिछले कुछ दिन टाइम से बालमुकुंद जी सिर्फ डॉक्टर अशोक तंवर जी के पिछले सारे काम गिनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 9 साल में जो भी करा उसका कोई बखान नहीं किया या कुलदीप बिश्नोई जी के फादर ने जो किया होगा 1995 सरकार उसका कोई बखान नहीं किया तो इससे पता है व्यक्ति परिक्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी में ना कि संगठन की कोई वैल्यू तो उस हिसाब से अगर इनका तो काम ऐसा कांग्रेस का अच्छा। जो जीतेगा वो मेरा जो हारेगा वो मेरा नहीं। अच्छा अब ऐसा आप भी अब खैर आपके पांच नगर निगम में तो सिंबल पर था पुंडरी वगैरह में तो आप भी ऐसे करेंगे कि ये बीजेपी की जीते हैं अभी नहीं देखिए मैं इस बात में कैसे अच्छा कोई ऐसा तो नहीं करेंगे आप अभी बालमुकुंद जी की ये भी हमारे समर्थित थे ये तो हमारे समर्थित थे अब कांग्रेस करने लग जाए देखिए मैं वही इनको बताना चाहता था इनके चीफ मिनिस्टर के दावेदार ने खुद इनके चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि पंजाबी बिरादरी ये जाति बाती बात की उनके खिलाफ एक एफआईआर भी हो चुकी है और उसके बाद अखबार में भी इन्होंने ऐड निकलवाया सभी करते हैं सारे पार्टी के नेता वो भी होगी वो एफआईआर भी हो चुकी होगी मैं बता रहा हूं कंप्लेंट होती जी जो कंप्लेंट नहीं एफआईआर बार हो सकती है कोई जो नहीं इलेक्शन होगी नहीं होती आप सुन मैं कराऊंगा खुद ये मैं कराऊंगा एफआईआर किस पे कराएंगे ना ये जो आप जो ऐड निकालेंगे तो अभी तक कराएंगे अभी निकाल और ये अगर चुनाव कमीशन अगर आप चुनाव जीत के आपने कोई खत्म करने की कोशिश की जात पात पर वोट कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो संविधान संजय जी कुछ कह रहे थे संजय जी आप लोग करते हैं धर्म संजय सब मिलाकर के कांग्रेस इस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार थी ही नहीं ये अगर वो तैयार होती अगर वो तैयार होती तो इस चुनाव में वो सीधे जाता अगर इन्होंने इतनी रैलियां की थी इतनी जनसभाएं की थी तो आज ये खुल करके रिजल्ट इनके सामने क्यों नहीं यानी इन्हें अपने रथ यात्रा और साइकिल यात्रा से जमीनी हकीकत पता चल गई थी क्या ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे और क्या हुआ किस तरीके से एकाएक जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं इससे थोड़ी सी कांग्रेस जागी है वो बिल्कुल चिर निद्रा में मतलब अगर ये रिजल्ट पहले आ जाते हाँ, तो ये तब ये लोग गलत जाग जाते हैं ना ये जाग जाते फिर ये सिंबल पे और ये अब खबर आ रही है पानीपत से
रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है 34,644 वोटों से अवनीत कौर बीजेपी प्रत्याशी पानीपत में आगे चल रही हैं और इसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है क्योंकि एक बहुत बड़े मार्जिन से अवनीत कौर आगे हो गई हैं और पानीपत को लेकर शुरू से ही तमाम जगह से ये कहा जा रहा था कि यहां पर जीत बीजेपी की जीत की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, बाकी दूसरी जगहों पर अभी भी कला मुकाबला है। जी मैं बात ये कह रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी पूरे कैडर बेस पे अपने पूरे निचले स्तर से कार्यकर्ताओं को लेकर के सब जगह काम करती, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, अगर उनको कह दिया जाता जैसा निर्देश दिया जाता वैसा किया जाता है। इनके यहाँ क्या होता है कि कौन से नेता का कौन सा कैंडिडेट को कितना टिकट मिलेगा, लड़ाई पार्टी के अंदर यहाँ शुरू हो जाती है। कांग्रेस के अंदर ये कमी शुरू से रही है कि किसके आदमी को कितने टिकट्स मिल जाए, कितना क्या मिल जाए। अब नगर निकाय चुनाव में भी ये चीज़ आती, खुल के आती, लोग भागते इधर उधर भागते तो पार्टी को जोड़ने में इनको समय लगता, इसलिए ये सिंबल पर नहीं आए। और दूसरी चीज़ है कि INLD के और JJP के आने से, दोनों के आने से JJP ने इंटरनली नहीं, अब बिल्कुल जिसे कहा जाए कि निचले स्तर पर अंदर खाने से पूरा सपोर्ट भाजपा समर्थकों को दिया है और जिसका नतीजा भी आपके सामने आ रहा है कि पानीपत एक तरफा जा रहा है और वो भाजपा को ही जा रहा था, वो शुरू से हम लोगों का डिसाइडेड था। रोहतक भी इसी तरीके से क्लियर आएगा और हिसार में भी अगर उस समय ये किसी शादी में पार्टी में इनके नेता लोग जाते हैं तो वहां पर जाके किसी कैंडिडेट के साथ क्यों नहीं दो एक दिन दो दिन पहले जाके समय दे सके कांग्रेस के नेता लोग हैं, जबकि उसी दिन किसी एक कार्यकर्ता के यहाँ शादी थी, वहां पे हुडा जी भी थे और लोग भी थे, तमाम नेता वहां मौजूद थे हैं, वो लोग जा सकते, शादी ब्याह में जा सकते हैं, ये भी तो एक जश्न था, एक माहौल था जिसमें इनको कार्यकर्ताओं के लिए सामने जाना चाहिए था या समर्थन के लिए जाना चाहिए था, शहरों में जाकर। अच्छा, क्या आप अगर यहाँ पर पिछड़ रहे हैं तो क्या आप ये कहकर बच सकते हो कि ये पार्टी तो पूरे प्रदेश की होती है, गांव की भी शहर की भी, तो कि भाई हमारा तो जनाधार शहरों में कम है, इससे आप मैसेज दिया ना जनता के बीच में जो आप भी कहते हैं कि बीजेपी लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा एक परसेप्शन बनाई गई है हमारी पार्टी के खिलाफ कि हम शहरों में कमजोर हैं और इस कारण से हमें अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा वोट मिलते आए हैं, जबकि हमारा शहरों में भी जनाधार रहा है। हम उस जनाधार को न केवल प्राप्त कर रहे हैं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर कुछ ऐसी जगह है जैसे करनाल की शहर की सीट जहाँ पर देख लीजिए, यमुनानगर का जो शहरी इलाका वहाँ पर देख लीजिए, चाहे आप रोहतक के अंदर, तो ऐतिहासिक तौर पर कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल को इतनी शहर के अंदर वोट मिली ही नहीं जितनी इस बारी मिल रही है। तो हम बढ़त अपनी कर रहे हैं, हम अपने उसको भी देख रहे हैं, वोट बैंक को भी देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि हम इनेलो मजबूत भी है और लड़ भी रही है। राजेश मैं आ रहा हूं आपका, कमल से एक अपडेट ले लेते हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। जी कमल। जी नासिर, बीजेपी ने वापसी की है कहीं ना कहीं और जहां बीजेपी 8 वार्ड के नतीजे आए थे पिछड़ते जा रहे थे 5 दिन से, अब 5-5 की बराबरी हो चुकी है। मुकेश कुमार है बीजेपी के वार्ड नंबर 9 से जीत दर्ज कर चुके हैं, वार्ड नंबर 10 से वीर विक्रम है बीजेपी के, वो भी जीत चुके हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर बीजेपी के लिए है कि जो रेणु बाला है मेयर पद की प्रत्याशी, 29,363 वोट है उनके अभी तक, आगे चल रही हैं और आशा वधवा पिछड़ चुकी हैं, इनेलो ने समर्थन दिया उनको, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस तो खैर कहेगी कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, अच्छा बहाना है, 22,229 वोट उनको मिले हैं, अंतर काफी बढ़ गया, अंतर बढ़ता जा रहा है। जी कमल आते हैं आपके पास और आपकी इस बात के बाद राजेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जी देखिए अभी पीछे थोड़ी देर वैसे बड़ा बहुत उम्मीद होगी क्योंकि करनाल अभी थोड़ी देर पहले रविंदर ढुल जी बड़े जोर से बोल रहे थे कि इनेलो ने नहीं दिया, बाल मुझे बौखला गए। मैं आपको ये कह रहा था मेरी गलती हो सकती है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए दूध साहब, एक मिनट बात बौखला है, मेरी बात पहले ये स्पष्ट कीजिए बौखला है, मैंने बोला, अरे मेरी बात सुन लीजिए, सब आपने पहले क्या पूछा, पहले पूरी बात क्यों नहीं लेते आप बाल भगत जी छुट्टियां ले रहे हैं इस बात से, अपनी बात सुनिए क्या कुछ। मैं ये कह रहा था कि जो आशा वधवा जी के जो पति देव थे जी के मनोज वधवा जी, उन्होंने इनेलो से चुनाव लड़ा था और अभी कमल जी ने भी इस बात का पुष्टिकरण कर दिया कि इनेलो ने समर्थन दिया है आशा जी को उस वक्त,
और ढुल साहब इस बात पे राजी नहीं थे, तभी मैंने बात की थी बीजेपी वर्सेस महागठबंधन वाली बात। मैं आपको ये कह रहा था कि इनेलो ने समर्थन दिया, एग्जांपल दिया नहीं, हिसार का एग्जांपल आपको तो सरेआम कर रहे थे ना जी। अरे सरेआम मेरे पास में वीडियो है आपके प्रत्याशियों का, दिखाओ ना, वायरल दिखाओ, सिर्फ बोल रहे हैं आप, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो, मैं भेज सकता हूं अगर आप चलवाना चाहे तो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी बिना, हां भी उनका समर्थन करेंगे, जैसे मैं वीडियो दे सकता हूं यहां पे, चैनल को कर भी दिया, अगर कर भी देवे कोई समस्या नहीं है। अगर अगर आपको तो एक सपोर्टर मिल जाएगा ना मजबूत, नहीं सपोर्टर मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आरोप की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सब आरोप। धनखड़ जी सर दौड़ में आप ही आप थे, हारजीत का क्या मायने नहीं इसमें, आपका काम ही है जो जीत जाए वो मेरा, जो हार है सबका, आपका काम दौड़ में आप थे, जो जीत जाए वो मेरा, जो हार है सबका। ठीक है धनखड़ जी, ठीक है, यहां बड़ी साफ सी बात है कि नगर निगम के मेयर चुनाव में जो है भाजपा अकेली खड़ी है और भाजपा जो है वो अपना वजूद दिखा रही है, कांग्रेस ने उनके लिए जो है ना सीधा रास्ता छोड़ दिया है। इनेलो चूंकि पहले भी मानते हैं और एक धारणा है कि इनेलो का शहरों में आधार कम रहा है शुरू से ही, और इसलिए जो है अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर पांचों जगह जीत सकते हैं क्योंकि काफ़ी अंतर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ स्थिति जो है ये भाजपा की तरफ सीधे सीधे जा रही है, पहले भी हमने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा, हारेगी तो भाजपा, अब यहाँ जो है क्लियर स्थिति होती जा रही है और भाजपा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस इसको अपनी हार नहीं मानेगी। इनेलो पहले ही कहती है कि हमारे प्रति ये धारणा है लोगों की कि हम जो है शहरों में आधार हमारा कम है, लेकिन हमने जो है इस बार मजबूत ठीक है सर स्थिति हासिल की है और हमारा प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। ठीक है बालमुकुंद जी, आप भी कहीं जा रहे थे तो कुछ कहकर चले जाइए, आप तो थे ही नहीं मैदान में। नहीं मैं तो मैदान में, कि हमने तो पहले बता दिया था कि फैसला हो गया पार्टी का कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, तो अब मैं तो कह रहा हूँ ये बीजेपी थी चुनाव मैदान में और कोई था ही नहीं, तो ये हरजीत का कोई इतना मायना नहीं, जो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं थे जिन्होंने समर्थन दिया है। मैं कह रहा हूँ वो तो उनकी व्यक्तिगत वो है ना जी, वो कमाल है आपकी पार्टी भी कांग्रेस कमाल नहीं, ये बिल्कुल एक बताइए आप मेरे से एक एक सवाल का क्या एक एक शब्द का मैं जवाब देने, मैं खुद कहता हूँ अगर शैलजा जी का कैंडिडेट वहाँ लूज किया है तो शैलजा जी की हार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट ने लूज किया तो भूपेंद्र सिंह, आगे भी तो कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है। मैं ये कहता हूँ मतलब है चेहरा है, ये नहीं गुटबाजी नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धनखड़ जी आपका।